हेलो दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कलर टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पिक्सआर्ट से। यहाँ फ्रेंड्स, आप पिक्सआर्ट से ही कलर टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं। हर अक्षर आपको अलग अलग कलर में हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टेक्निकल एस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो को देख पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना पिक्सआर्ट ओपन कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है कि हमें अपनी वो फोटो ले लेनी है जो हमें एडिट करनी है। तो मैं निकाल लेता हूँ कोई फोटो, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ये फोटो और इस पे मुझे अपना नाम डालना है। तो वो कैसे डालना मैं यही बताऊंगा। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट में और टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लिख देंगे जो नाम डालना है। फिलहाल मैं हीरो डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो फॉन्ट हमें अच्छा लगे हम वो ले सकते हैं। तो मैं देखिए, मैं से कोई फॉन्ट ले लेता हूँ। तो मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से। तो मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसको सेट कैसे करना है, वही कलर में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेंगे, जैसे मैंने इसमें रेड ले लिया। उसके बाद क्या करना है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रोक कर देना है यहाँ से। अब आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा ना। उसके बाद इसको अलग अलग कलर में कैसे करना है वही मैं आपको बताऊंगा। अब इसको यहाँ से ऊपर से सेव कर देंगे। उसके बाद फिर से हमें जाना है टेक्स्ट में और हमें मान लीजिए एज को तो हम छोड़ नहीं पड़ सकते, तो हमने अपने फेवरेट कलर के लिया तो हम ई ले लेते हैं। ई ले लेंगे और उसके बाद क्या करना है वही फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने उसमें लिया था। तो वो फॉन्ट ये है मेरा। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको जूम कर देना है और इसको आ जाना है। उसके बाद इसका कलर ई जो लिया है हमने, इसका कलर चेंज कर लेंगे। मान लीजिए मुझे ब्लू में करना है तो मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ। उसके बाद इस टाइप से आप इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर दें, उसके बाद फिर से हम टेक्स्ट ले लेंगे और उसके बाद आर ले कर लेंगे। उसके बाद आर का भी वही फॉन्ट ले लेंगे तो हमने इसमें लिया था। उसके बाद यहाँ से आप इसका भी कलर ले लेंगे, चेंज कर देंगे जो हमें सेलेक्ट करना है। मैं इसका पर्पल ले लेता हूँ और इसको शूम कर देता हूँ, लेता हूँ थोड़ा नीचे। उसके बाद इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अब इसको अपने हिसाब से फिर से सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये भी सेट हो चुका है। उसके बाद हम ओ को भी क्लिक कर देंगे इसी टाइप से। अब इसका भी हम वही फॉन्ट ले लेंगे
इसका भी हम भाई फोन ले लिया और ले लेंगे यार कलर इसका। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ये, उसके बाद स्टॉक तो लेना ही नहीं है, इसको कर देना जूम और फिर से इसको यहाँ पे अच्छे से सेटअप कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने हर कलर और हर टेक्स्ट अलग अलग कलर में कर दिया है। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।